अंजलि नारायण नवेद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लेवर पनीर, तो वही शुरुआत करते हैं। फ्लेवर्ड पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है फुल फैट 2 लीटर दूध, फ्रेश धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस। आइए पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालना है। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम दूध में डालेंगे चिली फ्लेक्स, भुना जीरा, चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालेंगे और मिलाते रहेंगे। देखिए दूध हमारा अच्छे से फट चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है, उस पर कॉटन का कपड़ा लगाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और दबाएंगे जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए पनीर से सारा पानी निकल चुका है। अब हम एक साफ रुमाल लेंगे और उस पर पनीर को रखेंगे। अभी पनीर हमारा प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा हमें दबा कर रखना पड़ेगा जिससे इसका प्रॉपर फॉर्म आ जाए। अब हम इस पर रखेंगे रोलिंग बोर्ड जिससे वजन से प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे जिससे पनीर का प्रॉपर फॉर्म आ जाए। 3 घंटे हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए पनीर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। आइए अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से काटा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं इसको, और पनीर बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए फ्लेवर्ड पनीर बनकर तैयार है। आप इसे रॉ फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं और फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।